आपके चैनल इंटर जगत में और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा गारमेंट शॉप का डिजाइन। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करें इंटर जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और सबसे पहले मैं अगर आपको इस दुकान की बात करूं, शॉप के साइज की बात करूं, तो ये हमारा अगर आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा, आप देखिए ये फोटोज को, ये फोटोज में आप देख रहे हैं कि दुकान का क्या हाल है, इसको हम लोगों ने रिनोवेट करके ऐसा डिजाइन किया है। तो आपको अगर ये डिजाइन की साइज की बात करूं ये शॉप की, तो ये हमारा 12 फीट बाई 10 फीट का ये स्टोर है और बाहर का हमारा 3 फीट का एरिया है। तो अभी मैं आपको डिटेल्स में पूरा इसका ओवरव्यू मैं देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा जो काउंटर है ये पूरा हमारा एल शेप का ये काउंटर है, डिस्प्ले काउंटर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ से जो सेल्स का बंदा है जो स्टोर के अंदर में रहेगा वो यहाँ से हीट करेगा। तो इसको हम लोगों ने पल्ला सिस्टम में नहीं किया है, इसको हम लोग अच्छे से इसको बाहर लाएंगे और ये इधर से लाके हम यहाँ से आराम से हम बाहर जा सकते हैं कुछ भी काम के लिए। जो सेल्स का बंदा होगा ये यहाँ से कस्टमर को डील कर सकता है या फिर दुकान के बाहर जा सकता है। तो फिर इसके बाद हम जब दुकान के अंदर में आएंगे तो ये आप जो देख रहे हैं ये मेरे पीछे में यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मैरून कलर का जो चीज मिल रहा है ये दुकान के सामने में फ्रंट में है। तो ये हमारा डिस्प्ले वॉल है जहाँ पे हम लोग कैटलॉग, ये मान लीजिए मैं आपको बता दूँ ये बच्चों लोगों का लेडीज लोगों का या ये शॉप है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा जो कैटलॉग होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करके वो रख सकते हैं। तो ये दुकान के सामने वाला एरिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सामने में इसको डिस्प्ले किए क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा कॉलम था, ये पुराना बिल्डिंग है तो इसके हिसाब से कॉलम था, तो कॉलम को हम लोगों ने यहाँ पे रिनोवेट किया है। और इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे हम लोगों ने इसको फैन दिखाया है और इसको फोकस करने के लिए यहाँ पे 2 स्पॉटलाइट दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हम लोग ओपन रखे हैं क्योंकि जो 10 से 12 साल का बच्चा है, लड़का है, हम लोगों के लिए यहाँ पे कोट पैंट का या सूट का रहेगा तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने हैंगर का प्रोविजन दिया है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पूरा ओपन रखा है, ये एरिया ओपन रखा है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये एरिया हम लोगों ने ओपन रखा है। और बाकी यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक वॉल डिस्प्ले कैबिनेट है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने 10mm का ग्लास यूज किया है रैक के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग प्लाई नहीं दे दिए क्योंकि प्लाई में हम लोग का जगह ज्यादा 3 से 4 इंच का वेस्टेज होता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10mm का ग्लास का यूज किया है एफ ब्रैकेट के साथ में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको मतलब खाम मिल गया, रैक मिल गया है तो इसमें आप अपना स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ये कस्टमर साइज है तो ये काउंटर के बाहर में हो रहा था तो इसके लिए ये हम लोगों ने यहाँ पे पल्ला सिस्टम किया है ताकि वो अपना कुछ भी स्टोर करके रख सके। तो ये कस्टमर साइड में जो होगा तो वो ये एरिया ओपन हो जाता इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पल्ला करके उसको बंद कर दिया ताकि ये यहाँ पे जो भी स्टॉक रहेगा वो कस्टमर इन में ना रहे। और जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पे हम लोग छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं ये पूरा सिल्वर और रेड के ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे गोल्डन के ऊपर में ये मंदिर है जो कि कस्टमाइज है, हम लोगों ने इसको ऑर्डर देके इसको बनवाया है। तो ये इस जगह के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे इसको मंदिर को लगाया है जो कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में इस एरिया के नीचे में हम लोग 20 इंच के हाइट तक ऊपर में हम लोगों ने ग्लास का सेल्फ किया है, नीचे में यहाँ पे सॉलिड 1.5 इंच का दिखा के इसको हम लोगों ने रैक किया है क्योंकि कभी भी अगर हम लोग खड़ा रहेंगे या फिर सेल्स का जो बंदा है खड़ा रहेगा तो अगर ऐसा खड़ा होगा तो पैर वगैरह लगने का चांस होगा तो ग्लास में डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग 3 इंच का और ये जो कमर के हाइट तक इसको हम लोगों ने सॉलिड प्लाई दिया है ताकि इनको कभी भी ग्लास हाथ पैर से ना लगे, धक्का लग के टूट ना जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ तक इसको सॉलिड किया है। तो यहाँ पे आपको 2 खाम मिल जा रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। जस्ट आप मेरे पीछे में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा, ये हम लोग 30 इंच हाइट तक इसको पूरा हम लोगों ने रैक कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे हमारा ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये अप्रोक्स 9 फीट का है तो इसके वजह से हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग ग्लास अगर देते तो थोड़ा ज्यादा मतलब वेट हो जाता इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए इसको यहाँ पे हम लोगों ने 15 इंच का एक कॉलम कैबिनेट दे दिया ओपन जहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम लगा के यहाँ पर भी 10mm का ग्लास दिया है ताकि यहाँ पे कुछ अपना एक कुछ जो इनका अच्छा पीसेस होगा वो यहाँ पे हाईलाइट करके रख सकते हैं। और ये ग्लास भी हमारा काम हो गया, ये एक पोजीशन हो गया, इधर एक पोजीशन हो गया ताकि जो वेट है वो ज्यादा ना पड़े। तो ये एल शेप का यहाँ पे काउंटर जो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर का ये कैश काउंटर है, मतलब हमारे जो क्लाइंट है उनका ये कैश काउंटर है तो यहाँ से वो डील करेंगे जो भी मतलब अभी ये रास्ता है, रास्ता के सामने में ये हमारा कैश काउंटर सामने में कस्टमर के साथ जो उनके कस्टमर आएंगे क्लाइंट्स आएंगे तो उनका ये विजुलाइज मतलब अच्छा होगा इसलिए हम लोग इस फेस में हम लोगों ने यहाँ पे कैश काउंटर किया है। और इधर सेल्स का बंदा बैठेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ड्रायर दिया है कैश काउंटर के लिए, यहाँ पे 2 ड्रायर है। आप अगर आके यहाँ से देखोगे सामने से तो मैं आपको दिखा सकता हूँ
जैसे कि यहाँ पे आपका दो दो ड्रायर हम लोगों ने दिया है गैस के लिए, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे एक पल्ला हम लोगों ने दिया है, जो भी इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है दुकान के रिलेटेड वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका कैमरा है, DVR है, म्यूजिक सिस्टम है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा जो वायर का काम है सब हम लोगों ने साइड में नीचे में रखा हुआ है ताकि इनका जो भी वायर सिस्टम है वो उनके पीछे में रहे, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सीलिंग अगर आप देखेंगे तो सीलिंग में आप देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स सीलिंग है, इसके ऊपर में हम लोगों का एक स्टोर रूम है, इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पूरा ये 12 mm का ग्रुप दिखा के इसमें हम लोगों ने सीलिंग वुडन का सीलिंग किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों कॉर्नर में हमारा हाइलाइटर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चारकोल दिया है जो कि गोल्ड कलर और मेटेलिक में है, जो कि इसका कॉन्ट्रास्ट है और इस दुकान का हाइलाइट कर रहा है सीलिंग को। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये सारा ग्रुप हम लोग 12 mm का इसमें ग्रुप दिए है, तो ये ग्रुप देने से ज्यादा हमारा ये दुकान का सेफ स्क्वायर में लग रहा है। और अगर मैं लाइट की बात करूं तो यहाँ पे सीलिंग में आप ये जो रो देख रहे हैं ये वाला, ये इधर से 5 और इधर से ये वाला 5, ये हमारा टोटल 50 वाट का ये लाइट है, 30 वाट का COB लाइट है ये। और इधर जो आप साइड में ये वाला देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं ये हमारा 20 वाट का COB है जो कि व्हाइट में है। यहाँ पे हम लोगों ने वार्म यूज नहीं किया है क्योंकि वार्म जो कपड़े का एक जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नेचुरल व्हाइट रखा है। अगर मैं आप यहाँ से आपको दिखाऊं तो इस जगह में हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा अपर लॉक का पल्ला है, वो भी मैं आपको खोल के यहाँ से दिखा देता हूँ। ये हमारा उठने के लिए इसको हम लोग पल्ला सिस्टम, इसको हम लोग ऐसे करके ये मैग्नेट है यहाँ पे मैग्नेट में रह जाएगा और यहाँ से जो इनका शॉप है ये वहां से अपना जो भी स्टोर है ऊपर में बंदा जाके यहाँ से अपना कुछ भी ज्यादा जो कलेक्शन है वो यहाँ से स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि दुकान नीचे में बहुत शॉर्ट है तो ऊपर में हमको इसका हाइट टोटल 11.5 फीट का था तो हम लोगों ने दुकान को 8 फीट तक रखा है और ऊपर में हम लोगों ने 3 फुट तक का वो स्टोर रूम का जगह दिया है। तो अभी मैं इसका लाइट आपको पूरा ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये हम लोगों ने ये जो 3 इंच का पैनल है इसमें कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे पिंक कलर का दिया है, व्हाइट दिया है और इसमें हम लोगों ने वुडन का कलर यूज किया है। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा क्वार्टर में तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने क्या किया है। मैं सारा लाइट ऑन कर देता हूँ। जैसे ये देख रहे हो आप ये हमारा पूरा प्रोफाइल लाइट इसमें हम लोगों ने यूज किया है, जिसकी वजह से ये जो कैबिनेट है पूरा ही हाइलाइटेड हो रहा है। कोई भी अगर रास्ते में जाएगा तो शॉप की तरफ एक बार नजर जरूर देंगे वो लोग, क्योंकि ये जो लाइट है आप अगर कुछ भी कपड़ा वगैरह रखते हो इस कैबिनेट में तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट को यूज किया है। और सीलिंग में यहाँ पे हम लोगों ने स्पीकर भी लगाया है, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 6 इंच का ये 2 स्पीकर लगा है। कभी भी आपको अगर ब्लूटूथ से सॉन्ग वगैरह सुनना है या सुबह का टाइम है शाम का टाइम है अगर आपको संध्या आरती वगैरह सुनना है तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करके आप एम्पलीफायर देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्शन करके आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। और सामने में आप जो देख रहे हैं ये एसी हमारा रेड टर्न का एसी है जो कि आप इन्वर्टर एसी देख रहे हैं, ये दुकान के लिए हमारा जगह के लिए सफिशियंट है। और जस्ट उसके नीचे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले इसको भी डिस्प्ले वॉल बनाया है ताकि यहाँ पे जो वेलवेट हम लोगों ने लगाया मैरून कलर का इसमें भी जो इनका कैटलॉग है कैटलॉग वो पिंच कर सकते हैं वहाँ पे अच्छे से शो ऑफ करने के लिए। ये हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है ताकि हम यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई आया 2-3 कस्टमर आया उसके साथ में तो यहाँ पर कोई आराम से बैठ के 2 कस्टमर उधर अपना कुछ भी बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठ के बात मतलब बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे हम लोगों ने इन लोगों का जो भी डेली यूजेस का सामान होगा जैसे पानी का बोतल वगैरह ताला चाबी वो यहाँ पे रख सकते हैं, मैगजीन पेपर वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, झाड़ू वगैरह रख सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इनको जगह दिया है और यहाँ पे बैठने के लिए जगह हो गया। और इसके पीछे में यहाँ पे आपको जो लाइट दिख रहा है ये इनडायरेक्ट COB लाइट है जो कि थोड़ा सा इसमें जब लाइट पड़ेगा तो दिखने में डिस्प्ले और भी अच्छा लगेगा। ये हम लोगों ने जो डिजाइन किया है ये पिंक कलर का एक कॉम्बिनेशन रखा है, यहाँ पे व्हाइट है और ये जो आप सबसे यहाँ पे जो देख रहे हैं ये डिस्प्ले का जो लुक आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा हमारा 8 mm का ग्रुप है, ये हम लोगों ने ग्रुप दिया है। ग्रुप में यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट यूज किया है 6 mm का जो कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था बनाते समय कि हम लोग जो से बनाते हैं इसको। ये इस साइड में हम लोगों ने 2 लाइट दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप में 3-3 ग्रुप छोड़ के ये हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट को डिजाइन किया है जो कि आप देख रहे हो। इसका सारा कनेक्शन मैंने आपको पुराना वीडियो में भी दिखाया है। तो ये हमारा हाइलाइटेड है और इसके बाद यहाँ पर जो आप गैप देख रहे हो ये गैप हमारा 2 इंच का है, तो ये 1 इंच घुसा के यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट लगाया है ताकि इसका जो इनडायरेक्ट लाइट है वो दिखने में थोड़ा सुंदर लगे और जो डिस्प्ले काउंटर है थोड़ा अट्रैक्टिव लुक हो। और अगर मैं टॉप की बात करूँ ये जो आप व्हाइट देख रहे हो ये व्हाइट में हम लोगों ने यूज किया है ये 12 mm का हमारा कोरियन यहाँ पे यूज किया है जो कि प्योर व्हाइट में है ये कोरियन की वजह से भी थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ता है जब लाइट इसमें पड़ेगा, तो कपड़ा जब इसमें आप डिस्प्ले करेंगे दिखाएंगे कस्टमर को तो ये बहुत ही अच्छा
कपड़े का जो रंग होगा वो और भी अच्छे से खुल के आएगा। शॉप है ये मिस्टर अतुल जी का है, तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। तो अतुल जी, सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जो आसियान एक्सप्रेस है, आप कैसे हमसे कांटेक्ट किया, हमारा वर्क आप कहाँ से देखे, कैसे आपसे कांटेक्ट हुआ हमारा? फर्स्टली मैंने सोशल नेटवर्किंग में सर्च किया था, इनका वर्क्स मैंने देखा है कि क्या हिसाब से मटेरियल यूज करते हैं, एंड सेकेंडली मुझे चाहिए था कि जैसे मेरा रिटेल का रेडीमेड शॉप है, मैं शॉप के देख रहा हूँ क्या क्या डिज़ाइन बन सकते हैं, तो उनका डिज़ाइन मुझे जो मैंने प्रोजेक्ट किया था तो उनका प्रोजेक्ट मुझे काफ़ी समझ आया। सेकेंडली इनका काम आप देख ही रहे होंगे वीडियो में जो ये अपलोड करेंगे, इसमें आप देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने बनाया है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ, जो हम लोगों ने विजिट किया, जो डिज़ाइन मैं आपके सामने प्रजेंट किया और उस डिज़ाइन के अपोजिट में जो हम लोगों ने काम किया, तो आपको दोनों में क्या मतलब लग रहा है कि हम लोगों ने 100% दिया या फिर कितना परसेंट हम लोगों ने डिज़ाइन जो दिया था उससे आपको बेटर मिला या फिर थोड़ा कुछ मतलब आप इसके बारे में बताइए? डिज़ाइन तो जो इन्होंने दिया था कि ऑलमोस्ट मतलब 100% दूर अराउंड 85% इन्होंने मतलब मेकअप किया है पूरा, मतलब डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग नहीं किया। क्वालिटी के हिसाब से जो हम आपको देंगे तो उससे बेटर दिया है या फिर उससे कम दिया है या फिर जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है वही आपको मिला है, आप कितना सेटिस्फाई हैं हमारे वर्क से, हमारे डिजाइन से, वर्क क्वालिटी से, इस बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को? वर्क क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है इनका, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया ही है, बाकी आप देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अतुल जी भी बहुत ही हैप्पी हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हैप्पी क्लाइंट्स हैं वो हमेशा हमारे काम को लेके सेटिस्फाई हों, हैप्पी हों, ताकि उनका जो एक एम होता है एक अच्छे से डिजाइनर से काम करने का, जो आउटपुट इनको मिलेगा वो इतना एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक अच्छा काम मिलना चाहिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ। तो अगर आपको ऐसे अच्छे अच्छे वर्क चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे में है, इंस्टाग्राम में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल में मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।